Once upon a time in a small, picturesque village nestled between rolling hills, there lived a young boy named Leo. Leo was a cheerful child, but he faced a unique challenge. He did not have a house to call his own. Instead, he lived with his kind-hearted grandparents, Granny Rose and Grandpa Sam. Leo's grandparents had always cared for him with warmth and love, but Leo dreamt of having a home where he could create his own adventures. One sunny morning, as he played near the village's ancient oak tree, he noticed something shimmering in the grass. It was a tiny, इस तरीके की एनिमेटेड स्टोरी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टोरी जनरेट करा लेनी है चैट जीपीटी से। सो यहाँ पर सर्च बार में मैंने एक टाइटल लिखा था और यहाँ पर हमारी स्टोरी जनरेट होकर आ चुकी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लगे, आप यहाँ पर क्लिक करें, अगेन से आपकी स्टोरी जनरेट हो जाएगी अदर टाइप की। और यहाँ पर राइट दिस स्टोरी फ्रॉम्स फॉर इमेजेस और चैट जीपीटी से आप फ्रॉम्स भी लिखवा ले। इस तरीके से आप टाइप करेंगे सो यहाँ पर फ्रॉम्स जनरेट हो जाएंगे आपकी इमेजेस के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रॉम्स जनरेट हो चुके। आपको इन दोनों को कर लेना है कॉपी और नोट्स में आपको सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपको करनी है वॉइस ओवर फ्लिक के AI वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर न्यू फाइल पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ऑडियो आप सिलेक्ट करेंगे, ऑडियो ओनली, और यहाँ पर कोई फाइल नेम दे देंगे एंड सबमिट कर देंगे। देन नीचे यहाँ पर लिखा है स्टार्ट राइटिंग, यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी पेस्ट कर देनी है और यहाँ से वॉइस सिलेक्ट कर ले, लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप जो लैंग्वेज चाहते हैं। एंड देन डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको वॉइस डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुकी है हमारी वॉइस। नेक्स्ट पैराग्राफ की वॉइस भी हम इसी तरीके से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट आपको कैपकट ओपन करना है एंड यहाँ पर टेक्स्ट टू इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से हम इमेज जनरेट करेंगे। आप यहाँ से अनलिमिटेड फ्री में इमेजेस जनरेट कर सकते हैं HD क्वालिटी में। सो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब व्हाट डू यू वांट इमेज, यहाँ पर आपको फ्रॉम्स पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने फ्रॉम्स पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है 3D एनिमेटेड। देन यहाँ पर नीचे सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम साइज सिलेक्ट कर लेंगे किस साइज़ में हमें इमेज चाहिए। सो यहाँ से मैंने 16x9 का साइज सिलेक्ट कर लिया है। देन आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने 4 इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी 4 इमेजेस जनरेट हो चुकी है। अब इमेज पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा सेव। सो आपको इसी तरीके से इमेजेस को सेव कर लेना है। आपको कॉपी पेस्ट करना है और अपनी स्टोरी से रिलेटेड सभी इमेजेस को आपको सेव कर लेना है। आप फ्री में यहाँ से अनलिमिटेड इमेज जनरेट कर सकते हैं। देन आपको करनी है वीडियो एडिटिंग। कैप कट में ही आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सभी इमेजेस सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं सभी इमेजेस सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैंने इमेज सिलेक्ट कर ली है और आप इसे प्ले करके देख लेंगे। देन आपको ऑडियो पर क्लिक करना है, यहाँ पर साउंड पर क्लिक करें और यहाँ से आप वॉइस सिलेक्ट कर ले जो आपने फ्लिकी AI वेबसाइट से जनरेट की थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वॉइस सिलेक्ट कर ली है। यहाँ से आप वॉइस सिलेक्ट करेंगे, सर्च बार में हम F लिख देते हैं और यहाँ पर फ्लिकी वेबसाइट की जो हमने सभी ऑडियो क्रिएट की थी यहाँ पर आ जाएंगी। आपको ऑडियो सिलेक्ट कर लेनी है। सो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आप इसे ऐड कर ले और प्ले करके सुन ले और इमेजेस को एडजस्ट कर ले ऑडियो के हिसाब से। देन आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटो कैप्शन पर क्लिक करके स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सबटाइटल्स जनरेट हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में। आप यहाँ से सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं अपनी स्टोरी में ऑटो कैप्शन पर क्लिक करके। और यहाँ से आप स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सबटाइटल्स का। आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं अपने सबटाइटल्स में। सो यहाँ से आप सभी कुछ एडजस्ट कर ले, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं।
सो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, और सबटाइटल मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। देन आपको इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपनी स्टोरी में कोई भी इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लेती हूँ। इस तरीके के इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर कई टाइप के इफ़ेक्ट्स हैं, आपको जो भी इफ़ेक्ट्स अच्छा लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सो यहाँ पर मैंने इफ़ेक्ट्स डाल दिया है। देन यहाँ पर आप एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं क्लिप्स में इमेज की। देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसकी क्वालिटी बढ़ा लेनी है, और डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। सो आप इस तरीके से किड्स एनिमेटेड स्टोरी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ यही 4 स्टेप फॉलो करने हैं। जब आप अगेन ये 4 स्टेप फॉलो करोगे तो आप ये काम 4 घंटे का आप 2 मिनट में भी कर सकते हैं, और 1 घंटे का काम आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टोरी जनरेट करनी है सिर्फ आपको, और वॉइस ओवर, देन इमेज जनरेट और एडिटिंग। सो इस तरीके से आप AI एनिमेटेड स्टोरी वीडियो जनरेट कर सकते हैं किड्स के लिए। सो अब ये वीडियो आप प्ले करके देख सकते हैं। Once upon a time in a small, picturesque village nestled between rolling hills, there lived a young boy named Leo. Leo was a cheerful child, but he faced a unique challenge. He did not have a house to call his own. Instead, he lived with his kind-hearted grandparents, Granny Rose and Grandpa Sam. Leo's grandparents had always cared for him with warmth and love, but Leo dreamt of having a home where he could create his own adventures. One sunny morning, as he played near the village's ancient oak tree, he noticed something shimmering in the grass. It was a tiny, magical seed. I hope you like this video. If you like this video, so please like, share, and subscribe this channel. Thanks for watching. We meet next video. Bye bye.